साबुदाना वड़ा बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स है वो है साबुदाना सोक किया हुआ, ये मैंने 4 घंटे के लिए सोक कर लिया था। मीडियम साइज़ पोटैटो है जो बॉईल किए हुए है, 4 to 5 ग्रीन चिली है जो बारीक कटी हुई है, रोस्टेड पीनट पाउडर, जीरा 1 टेबल स्पून और सॉल्ट एज पर टेस्ट। हमें बैटर सब एक साथ मिक्स कर लेंगे। जब तक ये बैटर मिक्स करते हैं तब तक हमें गैस पे कढ़ाई रखना है, उसमें ऑयल ऐड करना है क्योंकि हम जब तक ये बैटर बनाए तब तक ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो जाए। ऑयल गर्म हो चुका है, यहाँ पे हमारा साबुदाना वड़ा के लिए जो मिश्रण लगेगा वो भी रेडी हो चुका है। ये मिश्रण हमने जो थाली पीठ बनाए थे फास्ट के उसी की तरह है, लेकिन इसमें सिर्फ मैंने सिंगाड़ा आटा स्किप किया है। वड़ा बनाने के लिए हम स्टार्ट करेंगे, हाथ पे थोड़ा पानी लगाएंगे, लड्डू जैसे गोल गोल करेंगे, छोटे छोटे ही करना है, हल्के हाथ से करना है। और अब देख सकते हैं ये ऑयल चेक करते हैं कि कितना गर्म हो चुका है, अच्छे से हो चुका है गर्म। इसमें वड़ा ऐड करेंगे, हमें ये क्रिस्पी वड़ा बनाना है, इसके लिए देखते हैं कि ये कैसे तला जाता है। आप देख सकते हैं मैंने इसमें 4 वड़े बना के डाले हैं, इसे थोड़ा सा हल्का सा रेड होने तक हमें फ्राई कर लेना है और फिर इसे निकाल के दूसरे वड़े इसमें ऐड करने हैं। कढ़ाई में थोड़ा रेड होने के बाद मैंने इसे पैन में लिया है क्योंकि ये कढ़ाई में मुझे अच्छे से दिखाते नहीं आ रहा था, इसलिए ये अच्छे से ब्राउन हो चुके हैं। फिर भी हमें इसे क्रंची करना है तो हमें ये पैन पे फ्राई करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं इसका कलर ये बहुत ही अच्छे से हो चुका है और ये खाने में बहुत ही क्रिस्पी लगेगा। सावन का महीना चल रहा है, बहुत सारे फास्ट आ रहे हैं, तो क्यों ना आप आपके घर पे भी ये साबुदाना वड़ा ट्राई करें। साबुदाना वड़ा ऑलमोस्ट रेडी है खाने के लिए, तो चलिए देखते हैं कि ये कैसे बने हैं। हमारे साबुदाना वड़ा बन के रेडी है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आप न्यू वीडियो देखना चाहते हैं तो बेल बटन दबाना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, बाय बाय।